First of all, I would like to express my thanks to all the parents who have spared their valuable time and coming to this platform. एक वुड पैकर की कहानी आपको सुनाता हूँ. लकड़ियाँ काटता था एक आदमी, फॉरेस्ट में जाता और डेली बेसिस पे एक पेड़ को काटता, लकड़ी काट के ले आता, बेचता और दिन भर का राशन अपने ले आता था. कई सालों से वो पेरिफेरी के तरफ जो प्लांट्स थे उनमें से एक आध प्लांट को काटता, लकड़ियाँ पैक करता, घर ले आता था. डेली बेसिस पे वो यही कर रहा था. तो वहीं पर एक साधु महाराज भी बैठे अपना पूजा पाठ करते रहते थे. तो अचानक एक दो दिन उसके मन में आया कि महाराज से बोला कि और कोई तरीका नहीं है, रोज़ाना मुझे मेहनत करनी पड़ती है रोटी कमाने के लिए, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं एक दिन काम करूं और लगभग मैं एक महीना फिर रोटी खाता रहूं. तो उसने कहा तरीका है, तुम सरफेस पे आके पेड़ काट रहे हो, थोड़ा सा और अंदर जाके और वहाँ पर जाके पेड़ काटो. तो वहाँ वो एक किलोमीटर आधा किलोमीटर अंदर गया, क्या देखता है, चंदन के पेड़ लगे हुए थे. वहाँ वो एक पेड़ को काटता है, जो पैसा मिलता है उसे एक महीना वो रोटी खाता है. उसके बाद फिर उसको कहता है कोई तरीका और बताओ जिससे कि मैं 6 महीने तक खाना खाता रहूं एक ही दिन काम करके. तो उसने कहा और डीप चले जाओ और 2 किलोमीटर अंदर घुस जाओ फॉरेस्ट के. वो वहां जाता है, उसको सिल्वर ओर दिखाई देती है, पूरा चांदी चांदी चारों तरफ होता है. तो वो सारा का सारा सामान ओर से भर के ले आता है, बेचता है और फिर 6 महीने तक आराम से घर खाता रहता है. उसको और लालच आई, वो कहता है कोई ऐसा तरीका बताओ, एक बार काम करूं सारी जिंदगी खाता रहूं. कहता है ना तरीका, और अंदर घुस जाओ. वो और अंदर गया तो वहां पर गोल्ड की ओर पड़ी हुई थी. वो गोल्ड भर भर के ले आया और सारी जिंदगी उस गोल्ड से खाता रहा. ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, मोर एंड मोर You will enter deep into the subject. You will find something great. Superficially, रट्टे लगा के काम करते रहोगे तो गुजारा नहीं चलेगा. तो ये 4-2 साल जो लाइफ के हैं, अगर आप घुस गए गहराई के अंदर और बेसिक्स और फंडामेंटल आपको क्लियर हो गए, फिर IIT क्या कोई भी एग्जाम लाइफ के अंदर क्वालिफाई किया जा सकता है. लाइफ एक ही बार मिली है, आगे का भरोसा नहीं. इस लाइफ में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि ह्यूमन बीइंग्स जिंदगी में कुछ भी सोच लें, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, हर चीज अचीवेबल है. कोई चीज ऐसी नहीं जो सोच में आ जाए और इंसान उसको अचीव ना कर सके, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. इट इज पॉसिबल. तो ये तो एक दिमाग में रख लिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. एक ही चीज डिफिकल्ट है, IIT कुछ भी नहीं है. एक ही चीज डिफिकल्ट है, इस ब्रेन को समझाना, इस ब्रेन को समझाना और उस सोच को फिक्स करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. अगर आपकी सोच में आ गया कि मैंने टॉप रैंक IIT में लेना है तो तुम्हें को रोक नहीं सकता. जब कभी भी क्लास के अंदर कोई टीचर एंटर करता है पढ़ाने के लिए, द मोमेंट ही एंटर्स स्टार्ट टीचिंग, आपके फुल अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन उस टीचर की तरफ रहनी चाहिए. वर्ड बाय वर्ड वो क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, आपको सुनना चाहिए ध्यान से. और यकीनन लेक्चर खत्म होने के बाद आप 70% उस लेक्चर को लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि जब आपके दिमाग की सारी एनर्जी 100% एक जगह फोकस हो गई तो कोई भी चीज हो उसको विन किया जा सकता है. स्टूडेंट मस्ट वर्क एज ए स्पीड ब्रेकर फॉर द टीचर.
स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या है, जब तक तुम्हारे दिमाग में बात घुसती रही, यस सर, रिपीट करो, ही विल 10 times. मुझे इसलिए याद है बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1972, दैट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग आफ्टर एमएससी, तो मेरी क्लास में एक अंजनी छारिया लड़का था, 45 साल बाद में नाम याद है, टिपिकल एक दो लड़के याद रहते हैं जो एक्सेप्शनली अच्छे हैं एक्सेप्शनली बुरे हैं, कोई भी चीज़ में पढ़ा था एकदम दिमाग में छप जाता उसके, और हर बार 50 में से 50 नंबर आते। तो एक दो दिन के बाद मैंने देखा कि किसी पेपर में उसके नंबर 48.5 नंबर आए, 1.5 नंबर मैंने काट दिया उसका। कहते सर मेरे 1.5 नंबर क्यों काट दिए, मैंने कहा ये तूने गलत लिखा है, कॉपी खोली, कहता आपने गलत पढ़ाया था, मैंने वही लिख दिया। अब मैं उसके 50 देने पड़ गए, तब मुझे रियलाइज है भाई ये तो बहुत ही कोई अद्भुत चीज है, आगे से 10 बार पढ़ के आओ तब जाके इसको फेस करो। तो अच्छे बच्चे ही अच्छे टीचर पैदा करते हैं, अगर बच्चा चैलेंज नहीं देगा तो टीचर डफर हो जाएगा, और बच्चा चैलेंज दे तो टीचर विल बिकम ग्रेट टीचर, और बहुत बच्चों की जरूरत नहीं है। अकेला चना ही काफी है, पूरी भाड़ फोड़ देगा, एक ही बहुत है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि ये सारा जीवन सीखने के लिए, लर्निंग नेवर एंड्स टिल द टाइम वी रीच टू द लास्ट गोल, जब तक सांस है तब तक कोशिश कुछ ना कुछ सीखने की बनी रहती है। डॉक्टर को कई बार पता होता है कि ये पेशेंट बचने वाला नहीं है, क्या छोड़ देता है उसको या लास्ट मोमेंट तक लगा रहता है? एक अच्छा डॉक्टर गिव अप कभी भी नहीं करेगा, लास्ट मिनट तक ट्रीट करके कोशिश करता रहेगा मैं इसको बचा लूं। सिमिलर टू ए गुड डॉक्टर, ए गुड स्टूडेंट आल्सो विल नेवर गिव अप एंड ही विल कीप ऑन फाइटिंग एंड अल्टीमेटली ही विल विनर। वी मस्ट बी हैविंग ऑलवेज ग्रेटिट्यूड फॉर समबडी हु हैज डन फॉर यू, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो। अगर आपके अंदर ऐसी भावना ग्रेटिट्यूड की नहीं है, एक्सेप्शनल आदमी लाइफ में कभी नहीं बन सकते। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड दोनों चीजें ही जरूरी हैं, और जैसा आपका एटीट्यूड होगा वो आपका एल्टीट्यूड डिफाइन करेगा। अगर एटीट्यूड ही खराब है तो एल्टीट्यूड भी नीचे रहेगा। तो यू रियली वॉन्ट टू गो एट ए हायर एल्टीट्यूड, योर एटीट्यूड हैज टू बी वेरी हम्बल, वेरी मच नाइस, अदरवाइज जीवन में जैसे और लोग काम करके आए हैं चले गए, आप भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो, जिंदगी का एग्जाम हो, IIT का, मेडिकल का हो, एक ही चीज है जो आपको आगे ले जा सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये खो बैठे सब हम फेल हो, एट एनी कॉस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड नेवर गो, आई कैन डू, आई कैन विन, आई एम डेफिनेटली केपेबल, कॉम्पिटेंट, मुझ में कोई कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अब सिर्फ मेरे हाथों में रह गया है कि मैंने कैसे उसको यूज कर रहा है। गॉड आपको काम आपके लिए वो नहीं करेगा, करना तो आप ही ने, लेकिन जो काम आप करेंगे वो आपकी सोच के साथ सिंक्रोनाइज होगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपके दिमाग में एनर्जी भरी हुई है, आपको लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो nobody then can stop you also. So this is how I find these are the keywords I have given to you, and these keywords can play a significant role in your life. पढ़ाई करना एक अलग जगह है, लेकिन अच्छे प्लानिंग, अच्छा दिमाग, अच्छी सोच, अच्छे इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपने IIT पास करना है या मेडिकल पास करना है, whatever. So thank you once again for all of you for sparing your time. Thank you. Thank you.